नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का बहुत ही सुपर टेस्ट लेकर आया हूं। 30 शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे जो रीट पात्रता परीक्षा 2022 और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा ये उपयोगी टेस्ट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न, लेवल के प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये मनोविज्ञान का पेपर नंबर 50 है। इसके पहले मैं 49 टेस्ट आपके ले चुका हूँ और कुल टेस्टों की संख्या यहाँ पर 100 है साथियों। तो 50 टेस्ट, आधे टेस्ट हम यहाँ पर कर चुके हैं और इसके बाद में भी 50 टेस्ट अभी आने आपके और बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, निम्न में से किसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है? आदत में, अधिगम में, संप्रत्यय निर्माण में और समस्या समाधान में। देखो, न्यूनतम अवधान, अवधान मतलब ध्यान केंद्रण, तो जिसमें सबसे कम ध्यान केंद्रण की आवश्यकता होती है वो आदत है साथियों। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है उसके लिए हमें अवधान करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चलाने की हमें आदत हो चुकी है तो उसके बाद में हम जैसे ही गियर बदलते हैं या फिर ब्रेक लगाते हैं तो सोचकर नहीं लगाते, जैसे ही ऑटोमेटिक वो चीज़ें चलती रहती है, हमारा ध्यान सामने की ओर रहता है। तो इस प्रकार ये चीज़ें होती है। यहाँ विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर एक में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दो पर। तो दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और अभिप्रेरणा का नियम। अब वंशानुक्रम के नियमों में एक नियम समानता का भी होता है जिसमें माता पिता के समान संतान होती है, एक नियम भिन्नता का भी होता है जिसमें माता पिता से भिन्न गुणों वाली संतान होती है, एक नियम प्रत्यागमन का भी होता है जिसमें माता पिता के विपरीत संतान होती है, लेकिन साथियों अभिप्रेरणा जैसा कोई भी नियम वंशानुक्रम के नियमों में सम्मिलित नहीं है। तो दूसरे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीन पर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है और मूर्त चिंतन करता है। साथियों, शेष अवस्था की अगर हम बात करें तो इसकी अवधि 0 से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मतलब हर चीज़ को जानने की उसमें जिज्ञासा होती है, अनुकरण द्वारा सीखता है दूसरों को देख करके, सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है, लेकिन मूर्त चिंतन इस अवस्था में वो नहीं कर पाता है। चिंतन किसी भी प्रकार का मूर्त या अमूर्त नहीं होता है। तो विकल्प नंबर चार आपके प्रश्न नंबर तीन में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर चार की ओर। लेकिन ये सारी चीज़ें पूर्णतः निःशुल्क है साथियों। आप हमारा भी सहयोग किया करो, हमने आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो हम भी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप भी हमारा सहयोग करो। सहयोग सिर्फ इतना करना है, एक मिनट से भी कम समय निकालकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना है साथियों सिर्फ। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर चार की ओर। आपके चौथा प्रश्न क्या है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु एक उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभागार, विद्यालय व कक्षा का वातावरण और घर। देखो, संज्ञानात्मक का मतलब बालक के ज्ञान के विकास से लिया जाता है साथियों। ज्ञान का विकास सर्वाधिक विद्यालय व कक्षा के वातावरण में हो पाता है। तीसरा विकल्प सही है। खेल के मैदान में तो सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है और यहाँ सिर्फ बात की जा रही है संज्ञानात्मक विकास की। अतः जो चौथा प्रश्न है इसमें आपके सिर्फ तीसरा विकल्प ही सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर पाँच पर। तो पाँचवा प्रश्न, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने बताया? कोहलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, इरिक एरिक्सन ने और बीएफ स्किनर ने। तो देखो, बच्चों का जो बौद्धिक विकास है इसके 4 सुस्पष्ट स्तर किसके द्वारा बताए गए हैं? जीन पियाजे के द्वारा बताए गए हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत दिया था साथियों, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। संवेदी पेशी अवस्था प्रथम अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है पांचवें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। छठा प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम और अभिप्रेरणा। तो देखो,
निरंतर हो निरंतर कोई उद्दीपक दिया जा रहा है और व्यवहार में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कैसा परिवर्तन? अस्थायी, मतलब वो परिवर्तन स्थायी नहीं है, और जहाँ परिवर्तन स्थायी नहीं होता है उसको हम अधिगम नहीं कह सकते साथियों, उसको अभिप्रेरणा भी नहीं कहेंगे। तो पहला या तीसरा कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है? छठे प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा अभ्यस्तता। क्या रहेगा साथियों? अभ्यस्तता, विकल्प नंबर 1 सही है। यदि उद्दीपक निरंतर दिया जा रहा है और उससे व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसको अभ्यस्तता के नाम से जाना जाता है। विकल्प 1 आपके छठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो सातवां प्रश्न है, केटल ने मुख्य शील गुणों की संख्या 16 बताई थी, जिसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4, 3, 2 और 1। आरबी केटल, रेमंड केटल के द्वारा शील गुणों का सिद्धांत दिया गया है और आलपोर्ट के द्वारा भी दिया गया है साथियों शील गुणों का सिद्धांत। तो यहाँ जो आरबी केटल ने अपने शील गुणों के सिद्धांत में मुख्य जो शील गुण है इसकी संख्या बताई है 16। एग्जाम में प्रश्न ये आया था कि केटल के अनुसार मुख्य शील गुणों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर था वहाँ 16। रीट में ये प्रश्न आया था, लेकिन इन 16 शील गुणों को इसने कितने वर्गों में विभाजित या वर्गीकृत किया है? 4 वर्गों में विभाजित किया है साथियों, और प्रत्येक वर्ग में इसने 4-4 शील गुण रखे हैं। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो आपके 8वां प्रश्न देखते हैं, छोटे बच्चे, पागल व्यक्तियों एवं पशुओं में सिगमंड फ्रायड के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व पाया जाता है? इदम प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, अहम प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, परम अहम प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, और इनमें से सभी। देखो, छोटे बच्चे हैं, पागल व्यक्ति है, पशु है, इनको कुछ मतलब नहीं होता है, इनको सिर्फ निजी स्वार्थ से काम होता है साथियों, इनको मानवता सामाजिकता जैसी इनसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो अहम प्रकार का नहीं होता है, क्योंकि अहम प्रकार का व्यक्तित्व तो सामाजिकता पर आधारित होता है और परम अहम प्रकार का दैवीय जो गुण हैं उन पर आधारित होता है, लेकिन यहाँ जो इदम प्रकार का व्यक्तित्व है ये इनके लिए सटीक है। अतः यहाँ विकल्प नंबर 1 आपके 8वें प्रश्न में सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न, एक भारतीय ड्राइवर को अमेरिका में कार चलाने में बाधा उत्पन्न होती है, उपरोक्त बाधा किसका उदाहरण है? पश्चिमोन्मुखी बाधा, पूर्वोन्मुखी बाधा, उत्तरोत्तर बाधा, और इनमें से सभी। देखो, भारतीय ड्राइवर जब भारत में गाड़ी चलाएगा तो बाईं तरफ गाड़ी चलाता है, जबकि अमेरिका में ऐसा उल्टा होता है, गाड़ी दाईं तरफ चलाई जाती है साथियों। तो मतलब जो उसने सीख रखा है वो उसके विपरीत हो रहा है जब वो अमेरिका में जा रहा है। तो इस प्रकार की जब बाधा उसके सामने आती है तो उसको पूर्वोन्मुखी बाधा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका नॉलेज भारत का है और वो जा अमेरिका रहा है साथियों, इसको पूर्वोन्मुखी बाधा के रूप में ही जाना जाता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, किसके द्वारा ये अवस्थाएं बताई गई है? एडविन आर गुथरी के द्वारा, जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, और कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने ऐसी अवस्था नहीं बताई थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिसका उल्लेख हम जो अभी पिछला प्रश्न आया था 2-3 प्रश्नों में उनमें देख लिया था साथियों। तो 10वां जो प्रश्न है इसमें प्रथम या दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्रियात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था जैसी अवस्थाएं जेरोम एस ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में बताई है। तो 10वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। साथियों 11वां प्रश्न देखते हैं, व्यवहार का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्किनर ने, हल ने, पावलोव ने, और थोर्नडाइक ने। तो देखो, एक तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है द्विततत्वी वाला, वो तो स्पीयरमैन ने दिया है, लेकिन यहाँ पर व्यवहार का द्विकारक सिद्धांत पूछा गया है। प्रश्न समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपके सही है? तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है स्किनर। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसको ही व्यवहार का द्विकारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 12। सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किस नियम पर आधारित है? साचर्य परिवर्तन के नियम पर, मानसिक विन्यास के नियम पर, आत्मीकरण के नियम पर, और बहुप्रतिक्रिया के नियम पर। देखो, जो प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, माइक्रो टीचिंग में प्रस्तावना प्रश्न सिखाए जाते हैं,
कि किस प्रकार से जब आप दैनिक पाठ योजना का निर्माण करोगे तो किस प्रकार से आपको प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। साथियों, ये जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं ये जिस नियम पर किए जाते हैं, जिस नियम पर आधारित होते हैं, वो होता है आत्मीकरण का नियम। विकल्प नंबर आपका 3 सही है, आत्मीकरण का नियम थोर्नडाइक के द्वारा अपना जो सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया वाला उसमें दिया गया है। तो तीसरा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखते हैं, रॉबर्ट एम गेने ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार, 8 प्रकार, 5 प्रकार और 6 प्रकार। साथियों, रॉबर्ट एम गेने ने सीखने के कोई अलग से प्रकार नहीं बताए, बल्कि जो पहले से ही दे रखे थे उनको एक निश्चित सिस्टमेटिक तरीके से, एक क्रमिक तरीके से इन्होंने जमा दिया और सीखने का सिद्धांत दे दिया गेने का। तो साथियों, इन्होंने अपने इस सिद्धांत में जो प्रकार बताए सीखने के, वो 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें जो सबसे अंतिम और जो सबसे उच्च या सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार है वो है समस्या समाधान अधिगम। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम गेने के द्वारा जो 8 प्रकार बताए सीखने के उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां प्रश्न, बालक अपने जीवन में सर्वाधिक नैतिक गुणों का प्रदर्शन किस अवस्था में करता है? शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। 14वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? सर्वाधिक नैतिक गुणों का प्रदर्शन जिस अवस्था में किया जाता है उस अवस्था के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, बालक अपने जीवन में सर्वाधिक नैतिक गुणों का प्रदर्शन किशोर अवस्था में करता है। कौन सी अवस्था में करता है? किशोर अवस्था में। 3rd विकल्प सही है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 15। साथियों, 15वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? आक्रामकता एवं धारणात्मकता की अवस्था किसे कहा जाता है? मुख्य अवस्था को, गुदी अवस्था को, लैंगिक अवस्था को और जननेन्द्रिय अवस्था को। तो 15वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, आक्रामकता एवं धारणात्मकता की अवस्था इनमें से किसको कहेंगे। साथियों, जो गुदी अवस्था है, जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है, अपने इस मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने गुदी अवस्था जो दूसरी अवस्था है, मुख्य अवस्था पहली अवस्था है, साथियों इस अवस्था को ही इन्होंने आक्रामकता एवं धारणात्मकता की अवस्था बताया है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 15 में। देखो, इस अवस्था में, गुदी अवस्था में क्या होता है, जो कामुक क्षेत्र है वो गुदा में चला जाता है और बार बार जो बालक है वो मलमूत्र का त्याग करता है। साथियों, मलमूत्र का त्याग करने पर उसे खुशी मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। अगर उस चीज़ का एक निश्चित टाइम बना दिया जाता है तो बालक जीवन में उस प्रकार से ही आगे व्यवहार करता है, सही तरह से उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। यही है आक्रामकता और धारणात्मकता की अवस्था। ओनली 2nd विकल्प ही 15वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न, व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का संदर्भ निम्न में से आवश्यक है? अभ्यास, सृजनात्मकता, पुरस्कार और उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता। तो साथियों, क्रियात्मक पक्ष का मतलब करके सीखने से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? करके सीखने से लिया जाता है। और करके सीखना यहाँ किस में हो रहा है साथियों? अभ्यास में हो रहा है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 16 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। 17वां प्रश्न है आपके, मनोविज्ञान वर्तमान में है, आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है और व्यवहार का विज्ञान है। तो देखो, मनोविज्ञान अपने 4 चरणों में अभी तक चला है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था, फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया था, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है साथियों। अतः मनोविज्ञान वर्तमान में क्या हुआ? फिर व्यवहार का विज्ञान हुआ। 4th विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 18। रोर्शाह-शाही डब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है कितनी? होती है 30, 31, 10 और 5। साथियों, रोर्शाह-शाही डब्बा परीक्षण जो है इसमें कार्डों की संख्या 30 या 31 नहीं होती है, बल्कि ये
10 होती है। कितनी होती है? 10। रोर्चा शाही डब्बा परीक्षण व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है और इसके जनक हरमन रोर्चा है और इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए और कुल कार्डों की संख्या 10 होती है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19, समायोजन का अर्थ है वातावरण के साथ समायोजन, परिस्थितियों के साथ समायोजन, दूसरों के साथ समायोजन और इनमें से सभी। तो देखो, समायोजन का अर्थ इनमें से जो लिया जाएगा, व्यक्ति वातावरण के साथ भी करता है, परिस्थितियों के साथ भी करता है और दूसरों के साथ भी करता है। अर्थात 19वें प्रश्न में इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है साथियों, यही आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपके 30 में से सही हो रहे हैं साथियों। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि होती है तो उसका संशोधन कमेंट बॉक्स में किया जाता है। सभी टेस्टों में तो नहीं, लेकिन 10 में से एक दो टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें त्रुटि हो ही जाती है। मानवीय स्वभाव के कारण ऐसा होता है, बहुत सावधानी रखते हुए भी त्रुटि हो जाती है साथियों। तो आप कमेंट बॉक्स जरूर चेक किया करो। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बिने, स्पीयरमैन, गार्डनर और स्टर्नबर्ग। तो देखो, यहाँ पर बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, ऐसा किसका मानना है? प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे 20वां। तो 20वें प्रश्न में जो सही उत्तर है साथियों, वो रहेगा स्पीयरमैन, विकल्प नंबर 2। बुद्धि को एक सामान्य मानसिक योग्यता इन्होंने माना है, विकल्प नंबर 2 आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की। देखो, प्रश्न नंबर 21 है आपके, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, भौतिक उपकरण, व्यक्तिगत उपकरण और सांवेगिक उपकरण। प्रश्न को तभी समझोगे जब वाइगोत्स्की के बारे में आपने पढ़ रखा होगा साथियों। वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्या दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और इनका ये मानना था कि व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो अंतःक्रिया होती है, जो व्यक्ति समाज में जो अंतःक्रिया करता है, तो अतः यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण आपका सही आंसर होगा, विकल्प 1 आपके 21वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, संवेगात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, मनोगत्यात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग यदि किया जाता है, इससे मनोगत्यात्मक क्रिया तो नहीं हो रही है, ना ही संवेगात्मक क्रिया हो रही है, ना ही भावात्मक, बल्कि इससे मानसिक विकास होता है जिसका संबंध संज्ञानात्मक क्रिया से है साथियों। तो विकल्प नंबर 1 सही है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना इसका सही आंसर होगा 22वें प्रश्न में प्रथम विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो आपके 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग कितने सत्रों में किया जाता है? एक सत्र में, दो सत्र में, तीन सत्र में और चार सत्र में। साथियों 23वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है इसका प्रयोग कितने सत्रों में करेंगे? आपका सही आंसर है, इसका प्रयोग दो सत्रों में किया जाता है। ये बहुत ही डीपली चीज़ें हैं साथियों, हालांकि बहुत कम चांस है जो होते हैं कि इतने डीप में जाएगा, बट अगर चला भी गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो सेकंड विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं, 24वां प्रश्न। भारविहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? राममूर्ति समिति, यशपाल समिति, सच्चर समिति और हरटांग समिति। देखो, भारविहीन समिति अधिगम या फिर बिना बोझ के शिक्षा भी इसको कहा जाता है, या इसको लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और ये जो बताया गया है जिस समिति के द्वारा, उस समिति का नाम है यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे साथियों। NCF 2005 के अंतर्गत ही इस समिति का गठन किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां प्रश्न है,
अधिगम के व्यवहारगत सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? सही कथन का आपको चयन करना है व्यवहारगत व्यवहारात्मक सिद्धांतों के आधार पर। तो पहला विकल्प है अवलोकन और मापन नहीं किया जा सकता, किसका? अधिगम का। व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा मापन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है और अंतर्वेशन विधि द्वारा मापन किया जा सकता है। तो 25वें प्रश्न में सही आंसर आपको बताना है सही कथन। साथियों अधिगम का आप अवलोकन और मापन नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हैं मापन? तो ये गलत है। साथियों आप वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ तरीकों से नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ तरीकों से अवलोकन और मापन अधिगम का कर सकते हो, ओनली वस्तुनिष्ठ तरीकों से। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाता है प्रश्न नंबर 25 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो आपके 26वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 आपसे क्या पूछ रहा है ये देखिएगा 26वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 26 है टोली शिक्षण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है? जब दो या अधिक शिक्षक किसी एक छात्र को पढ़ाते हैं, जब दो या अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं, दो या अधिक शिक्षक एक प्रकरण पर परिचर्चा करते हैं, या दो या अधिक शिक्षक एक कठिन समस्या को हल करते हैं। तो इनमें से किस सिचुएशन को आप टोली शिक्षण कह सकते हो? 26वें प्रश्न में जो सही आंसर है जिसको दल शिक्षण भी कहा जाता है और डेविड वार्डिंग इसके जनक है। साथियों तो देखो जब दो या अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाएं तो उसको ही टीम टीचिंग, टोली शिक्षण या समूह शिक्षण के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 26 में। और इस समूह शिक्षण में या टीम टीचिंग में किसका समूह होता है? अध्यापकों का समूह होता है या अध्यापकों की टोली होती है। साथियों ओनली सेकंड विकल्प 26वें में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। आपके प्रश्न नंबर 27 सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है, अपसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन है, सही उत्तर पर चिंतन है और सामान्य समाधान पर चिंतन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है जबकि बुद्धि का संबंध अभिसारी चिंतन से होता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। 27वें प्रश्न में प्रथम विकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वापस कह रहा हूँ, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन, बुद्धि अभिसारी चिंतन, ठीक है। तो चलिए 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? उच्च नैतिक आशयें, विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन, व्यावसायिक अभिक्षमता की कमी और एक तंत्रीय प्रशासन। तो देखो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार अगर हो रहा है तो एक तंत्रीय प्रशासन से तो मानसिक स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ेगा, यह आपका आंसर नहीं है। व्यावसायिक अभिक्षमता में कमी आ रही है तो इससे भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, यह भी आपका आंसर नहीं है। उच्च नैतिक आशय, उच्च नहीं, नैतिक आशय करो लेकिन सामान्य तरीके से, इसलिए यह भी आपका आंसर नहीं है। बल्कि विद्यालय का जो मुख्य अध्यापक है इसका लचीलापन अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। साथियों मुख्य अध्यापक मतलब प्रधान अध्यापक, यदि वो लचीलापन व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से जो अध्यापक वहाँ पढ़ाते हैं उनके स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। विकल्प नंबर आपका 2 28वें प्रश्न में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न, CAT का भारतीय अनुकूलन किसने किया? राइस ने, उमा चौधरी ने, कार्ल यूंग ने और वॉटसन ने। साथियों इसका जो सही आंसर है CAT का भारतीय अनुकूलन उमा चौधरी, प्रोफेसर उमा चौधरी के द्वारा किया गया है। सेकंड विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। तो देखो इसमें 30 नहीं, इसमें 31 प्रश्न हैं। तो सेकंड लास्ट प्रश्न अब है आपके, 31 प्रश्नों की सीरीज है साथियों, ये वाला टेस्ट 31 प्रश्न इसमें ऐड किए हैं। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेषावस्था से और जन्म से। देखो विकास प्रसव पूर्व अवस्था मतलब जो गर्भावस्था होती है वहीं से आरंभ माना जाता है विकास का, कब से? गर्भावस्था से। इसको विशेष तौर पे याद रख लेना आप साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 30 में। अब आज का अंतिम और 31वां क्वेश्चन, ये 50 टेस्ट आपके पूरे हो चुके हैं, पिछले सारे टेस्ट आप यहाँ देख सकते हो, लास्ट में मैं एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा दूंगा साथियों, तो सारे टेस्ट इस पे टच करते आपके सामने आ जाएंगे, वहां से